वेलकम टू सोशल। अमित साध एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। अमित को हमने काई पोचे, गोल्ड, सुल्तान जैसी पॉपुलर फिल्म्स में देखा है और अब हम उन्हें वेब सीरीज जॉनरा में भी कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स में देख रहे हैं। इन सभी के पीछे अमित की एक्टर बनने की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनके फैन ही बन जाएं। इस वीडियो में हम आपको अमित की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर वन, अमित साध का चाइल्डहुड बहुत ही डिफिकल्टीज से भरा रहा है। अमित के फादर आर्मी के लिए हॉकी खेला करते थे, पर जब अमित 16 साल के थे तो उनके फादर गुजर गए। अमित ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने फादर के जाने के बाद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो घर से भाग गए थे। अमित ने कभी भी घर छोड़ने के पीछे की वजह तो नहीं बताई, पर बहुत से इंटरव्यूज में उन्होंने अपने मुश्किल दिनों की बात की है। क्यों, पैसे नहीं थे, क्या था? पैसे में सड़क पे था। उससे पहले मैं एक घर है जोरबाग में जहाँ पे मैं झाड़ू पोछा बर्तन करता था। नंबर टू, घर से भागने के बाद अमित कुछ काम ढूंढने लगे और उनको एक घर में एज अ सर्वेंट रख लिया गया। ये फैक्ट कोई गॉसिप या फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि अमित ने खुद इसके बारे में अपनी टेड टॉक और कई इंटरव्यूज में बताया है। So at the age of 16, I was washing utensils at somebody's house. And back in the day, the terminology knocker, उस समय आउटसाइडर इनसाइडर नहीं था, ये आज का फिनोमेना है, उस समय नौकर थे। They were vexed in how a 16-year-old boy who's a knocker sweeping floors in our house can speak in English. And of course, I was thrown out. अमित को जब सर्वेंट की नौकरी से निकाल दिया गया तो वो दोबारा अपने लिए कोई काम ढूंढने लगे। एक सोसाइटी के बाहर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को देखा और उन्हें लगा कि वो भी ये काम कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने एक सिक्योरिटी एजेंसी में जाके बोला कि मुझे चाहे कम पैसे दे दीजिएगा पर आप मुझे बस काम पे रख लें। अमित को इसके बाद एक शोरूम में एज अ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा गया और उस वक्त वो सिर्फ 16 साल के थे। अमित ने फिर एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त वो बहुत छोटे थे और उन्हें सिचुएशन से डील करना नहीं आता था, तो एक दिन रोज रोज के स्ट्रगल से तंग आकर उन्होंने अपनी जान देने तक का सोच लिया था। नंबर थ्री, अमित को पहला ब्रेक टीवी सीरियल क्यों होता है प्यार से मिला था। इस शो में अमित एक लीडिंग कैरेक्टर प्ले करते हैं और ये शो उन दिनों बहुत पॉपुलर भी हुआ था, जिसके बाद अमित इंस्टेंटली फेमस हो गए। नंबर फोर, अमित को इसके बाद कई टीवी सीरियल्स में देखा गया पर उन्हें जल्द ही शो से निकाल भी दिया जाता था। अमित ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि अपने करियर के स्टार्टिंग में मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, जिसकी वजह से मुझे कई सीरियल्स से निकाला गया है। Whenever I could reach by now is because of television. I came to Bombay with like almost 300 rupees and a bike that I have. And I didn't have dreams to be a movie actor. I had hallucinations of becoming an actor. Which TV adopted me and it gave me Nina Gupta. I can't thank her enough. I still know Star Plus was kicking me out after 5 days of shoot of Kyun Hota Hai Pyar, and because I was bad, and they were Star Plus said, okay, we'll change and we'll shoot 10 days night and day and we'll get a new guy. I got to know this after 3 episodes, and Gurshil and was with Star Plus at that time, and Nina ma'am said, nee, isko rakh lo, kuch to hai isme. Kya hai dikh nahi raha, but kuch to hai. And then they kept me and I. Number five. बिग बॉस सीजन 1 को अगर याद किया जाए तो शो में राखी सावंत और राहुल रॉय का नाम सबसे पहले याद आता है, पर बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि अमित भी बिग बॉस सीजन 1 के कंटेस्टेंट थे और उन्होंने फाइनल वीक तक सरवाइव किया था। बिग बॉस के घर में उस वक्त 86 डेज बिताने होते थे और अमित 79th डे पर इविक्ट हुए थे। नंबर 6, बिग बॉस के बाद अमित ने डिसाइड किया कि वो अब फिल्म्स में काम करेंगे, पर उन्हें कोई भी फिल्म्स में काम देने को तैयार नहीं था। अमित ने बताया कि उनको ये रीजन दिया जाता था कि वो एक टीवी एक्टर हैं और उनकी एक्टिंग फिल्म्स में नहीं चल पाएगी। इसके बाद अमित ने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग सीखने यूएस जाएंगे, जहां उनका एडमिशन ली स्टार्सबर्ग फिल्म इंस्टीट्यूट में हुआ। हॉलीवुड में ये एक बहुत ही रिनाउन इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां से क्रिस इवंस, स्कारलेट जोहानसन और एंजेलिना जोली जैसे बड़े हॉलीवुड एक्टर्स ने एक्टिंग सीखी है। नंबर 7, फिल्म काई पोचे की सक्सेस के बाद तीनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया था, पर अमित को सबसे कम मीडिया कवरेज दी गई थी। फिल्म के बाद राजकुमार राव और सुशांत सिंह राजपूत को लीड रोल्स ऑफर किए जा रहे थे, पर अमित को किसी ने एक भी फिल्म ऑफर नहीं की थी। अमित ने एक इंटरव्यू में बताया कि सबने मेरी एक्टिंग की तारीफ की, पर उसके बाद मुझे किसी ने अपनी फिल्म में नहीं लिया। And everybody said that I'm so good. So I was like wondering ki peeche to bolte ki ye bahut acha actor hai. Bahar kyun nahi bolte? Mere liye tweet kyun nahi karte? Mera naam kyun nahi dalte?
नंबर 8, अमित को जब फिल्म्स नहीं मिल रही थी तो वो प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाया करते थे और उन्हें कई बार ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि उनका फेस एक हीरो जैसा नहीं है या फिर उनमें कोई हिट फैक्टर नहीं है। ऐसी चीज़ें बोल के उन्हें लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे और अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं। एक्टिंग की बात करें तो कायपोचे में ओमी का कैरेक्टर ही सबसे लेयर्ड कैरेक्टर था, क्योंकि फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक ओमी ही है जो पूरी तरह से बदल जाता है और उस वजह से फिल्म की कहानी एक नया मोड़ लेती है। सुशांत को बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने साइन कर लिया था और राजकुमार राव को स्मॉल बजट फिल्म्स में एज अ लीड कास्ट किया जाने लगा था, पर वहीं अमित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित की अगली फिल्म आने में 2 साल लग गए और इस बीच उन्हें बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी आईं। नंबर 9, 2015 में अमित फिल्म गुड्डू रंगीला में अरशद वारसी और अदिति राव हैदरी के साथ नजर आते हैं। अमित की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर उन्हें अरशद वारसी में एक अच्छा दोस्त और मेंटर मिल गया। अरशद ने उन्हें समझाया कि इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड्स हमेशा रहते हैं, पर तुम डीमोटिवेट होकर अपने एक्टिंग स्किल्स मत खराब कर लेना। अरशद के समझाने के बाद अमित ने फिल्म ना मिलने को लेकर चिंता करना बंद कर दिया और उन्हें अगर एक ढंग का सपोर्टिंग कैरेक्टर भी मिल जाता था तो वो उसमें भी खुश रहने लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अरशद भाई से सीखी है, जो जिस सरलता से ये जीते हैं, यू नो, एंड मैं आई थिंक खुश नसीब हूँ कि वो अपने नए स्टार्टिंग में ही अपने करियर में एक किस तरह बिहेव करना चाहिए एक्टर को, नॉर्मल रहना चाहिए और जितने ईज और मोहब्बत के साथ ये रहते हैं, तो वो बहुत सीखा मैंने इनसे। नंबर 10, फूंक 2 अमित के करियर की पहली फिल्म थी जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था। नंबर 11, अमित तापसी पन्नू के साथ एक एडवर्टाइजमेंट में नजर आए जो उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था। दोनों ही एक्टर्स उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे और इस एड को देखकर उन्हें रनिंग शादी फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था। नंबर 12, अमित के फेवरेट हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप हैं और उनकी फेवरेट हॉलीवुड फिल्म द ग्लैडिएटर है। नंबर 13, अमित की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें सुल्तान फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल में कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई और दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अमित की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने अप्रिशिएट किया और इस फिल्म को करने के बाद अमित का करियर दोबारा रिवाइव हो गया। अमित हमेशा से सलमान के साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने कई इंटरव्यूज में सलमान को अपनी इंस्पिरेशन बताया है। अमित बिल्कुल एक फैन की तरह सलमान को देखते हैं और शूटिंग करते वक्त वो सलमान के सामने नर्वस भी हो जाया करते थे। फिल्म खत्म होने के बाद सलमान ने अमित को अपनी ई साइकिल गिफ्ट की थी, जिसे अमित ने आज भी अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है। नंबर 14, अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज ब्रीद में अमित इंस्पेक्टर कबीर के कैरेक्टर में नजर आते हैं। सीजन 1 में कबीर एक अल्कोहलिक होता है और अपनी ड्यूटी पे भी वो कई बार नशे में नजर आता है। शूटिंग के दौरान जब उनके बाकी एक्टर्स के साथ सीन्स होते थे तो उनको एक अल्कोहलिक की फील देने के लिए अमित अपने कपड़ों पर वाइन के कुछ ड्रॉप्स छिड़क दिया करते थे, जिसके बाद एक्टर्स को लगता था कि अमित एक्चुअल में ड्रंक है। What got me the impulse that actually it's not about being drunk, it's about smelling drunk. So the character who's in front of you should feel you're drunk. If that happens, the public will. So basically that was my thought process. Every day I'm going to smell drunk. So one day actually what I did, I gargled with wine. Ye mascara is khatak raha hai mujhe. नंबर 15, अमित ने ब्रीद की शूटिंग के दौरान आर माधवन से बहुत कुछ सीखा है। अमित ने बताया कि माधवन ने उनकी कई सीन्स को बेहतर करने में मदद की और उनका नेचर बिल्कुल भी एक सेल्फिश एक्टर जैसा नहीं है। उन्होंने मुझे एक्टिंग से लेकर करियर में कैसे आगे बढ़ना है हर चीज की एडवाइस दी, जो मुझे आज भी काम आती है। अमित की तरह माधवन भी एक सेल्फ मेड एक्टर है और अमित उनकी बातों से काफी कोरिलेट कर पाते थे। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि दोनों सीजन में कंपेरेटिवली आपको अमित की केमिस्ट्री किसके साथ ज्यादा पसंद आई, माधवन या अभिषेक बच्चन। नंबर 16, अमित को जब भी अपनी फिल्म से टाइम मिलता है तो वो पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने चले जाते हैं। इसके अलावा उन्हें बाइक राइडिंग का भी बहुत शौक है, जहां इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज भी वो बाइकर ग्रुप्स के साथ ट्रैवल करते रहे हैं। आपको उनके ट्रैवल अपडेट्स के लिए उन्हें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना चाहिए। वहां अमित ने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बहुत दिल से शेयर किए हुए हैं, जो शायद आपको भी फ्यूचर में सोलो ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर कर दें। नंबर 17, बॉलीवुड में एक अजीब सा ट्रेंड है जो आपने भी नोटिस किया होगा कि मीडिया में हमेशा एक्ट्रेस की सक्सेस की बात तब की जाती है जब उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कलेक्शन करती है। अमित ने भी इसके बारे में कई बार बात की है और उनका कहना है कि किसी एक्टर की सक्सेस को जज करने का क्राइटेरिया ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
नहीं मैं ये सब नहीं पढ़ता ही नहीं मैं ये सब नहीं पढ़ता नहीं मैं नहीं मैं पढ़ता ही नहीं सब और मुझे लगता है आप ये सब बातें करना भी बंद कर दो ऑडियंस को ये सब बताना कि ये पिक्चर 200 कमा रही है 700 कमा रही है ये ट्रेड है और आई थिंक एज अ पत्रकार आप लोग आप तो बहुत लायक हैं आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मैं तो कितने इंटरव्यू कर चुका हूँ आपके मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी इनफैक्ट आप भी इस तरह की बातें करना बंद कर दो एक आर्टिस्ट को आप क्या पूछोगे 200 है 300 है 500 है ये आंकड़े हैं ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर अच्छी करे बट जैसे आपने कहा दुनिया देख रही है अगर दुनिया देख रही है तो फिर जो रेवेन्यू है वो भी आ जाएगा बट 5 दिन हुए पिक्चर को रिलीज़ हुए अपने फेवरेट सीन के बारे में बताइए है ना अगर मेरी परफॉर्मेंस से आपको कुछ अच्छा लगा तो वो पूछिए अब आप पूछ रहे हो कि 200 कमाए 300 कमाए मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं आप पिक्चर देख रहे थे ए 200 कमाए ए 300 कमाए मेरा ये मानना है आपको छोटा भाई बड़ा भाई समझता हूँ मैं कि ये सब बातों को थोड़ा हटा के अच्छी बातें करते हैं कोशिश मुश्किल है तुम्हारे लिए बट करो नंबर 18 अमित साध की एक फुटबॉल रिलेटेड फिल्म भी आने वाली थी जिसका नाम 7 कदम था इस फिल्म में अमित एक फादर के रोल में नजर आते हैं जो अपने बेटे को फुटबॉलर बनाना चाहता है फिल्म के लिए अमित ने कई इंटरव्यूज भी किए थे पर फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई नंबर 19 अमित की फिल्म यारा भी 2015 से प्रोडक्शन में है पर फिल्म को प्रोडक्शन हाउसेज रिलीज करने को ही तैयार नहीं थे इस फिल्म में भी अमित ने बहुत मेहनत की है जहां उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यूज में बताया है कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में सबसे अलग है क्योंकि वो पहली बार एक यंग एज टू ओल्ड एज कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस फिल्म को अब फाइनली 2020 में Z5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा और विद्युत जम्वाल के साथ अमित को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा नंबर 20 वेब सीरीज अवरोध में अमित एक नए अवतार में नजर आएंगे और अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने 6 महीने तक अपनी फिजीक पे काम किया था अमित के लिए अवरोध पर्सनल लेवल पर एक स्पेशल शो है क्योंकि उनके फादर हमेशा उन्हें इंडियन आर्मी में देखना चाहते थे और इस शो में अमित एक आर्मी मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसलिए ये शो अमित ने अपने फादर को डेडिकेट किया है So I just think that life is a full circle. It's given me an opportunity to wear the uniform again, and this time I get to be Special Forces. Such a drastic transformation. It's the first time. It's like I feel I've changed my DNA. You know what I mean? वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपकी अमित साध की फेवरेट फिल्म या फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप और किन सेलिब्रिटीज पर फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका फीडबैक एक वैल्यू ऐड करता है तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं